बीती 29 मार्च को बादली इलाके में सीवर में टेलीफोन केबल की मरम्मत करते हुए 3 मजदूर फंस गए थे। इन्हें बचाने के लिए ई रिक्शा चालक सतीश भी सीवर में घुसा, लेकिन वह भी अंदर फंस गया और उसकी मौत हो गई। सतीश के परिवार में विधवा माँ एवं पत्नी के अलावा 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। न्यूज चैनलों में चलाई गई खबर के माध्यम से बुजुर्ग उद्यमी MM पाल सिंह गोल्डी को इस हादसे और परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद DCP आउटर नॉर्थ के यादव से संपर्क किया। DCP BK यादव ने बताया कि घटना के बाद से ही परिवार की देखभाल पुलिस द्वारा की जा रही है। अब MM पाल सिंह गोल्डी ने इस परिवार को प्रति माह 10,000 रूपए बैंक खाते में जमा कराने का वादा किया है। DCP विजेंद्र यादव इस मौके पर कुछ भावुक होते हुए भी दिखाई दिए। पीड़ित परिवार की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने सतीश की पत्नी को अपनी बहन माना और उन्होंने कहा कि वह भाई की तरह इनकी और इनके परिवार की देखभाल करेंगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले MM पाल सिंह गोल्डी ने बताया कि उनकी यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा खर्च सहायता की जाएगी और अगर बच्चों की पढ़ाई में भी पूरा खर्च दिया जाएगा, साथ ही आर्थिक दिक्कतों को झेल रहे परिवार को तुरंत सहायता के लिए 40,000 का चेक भी सौंप दिया गया। दिल्ली से संजय सिंह। ये जो आपके साथ और आपके परिवार बस कह के गए थे कि रात को आऊँगा पर आए नहीं, रात को वो बहुत अच्छे इंसान थे और सच्चे थे और सबकी भी मदद करते थे। जैसा कि जो हादसा उनका धन्यवाद कहना चाहते ठीक है सर आई गई दिन भी भूखी हुई। बाकी ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड थे नेक इंसान वैसे ही बनाना चाहती हूँ, उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि मेरी बड़ी लड़की दिल्ली पुलिस में हो। सर का पूरा पूरा सपोर्ट रहा, सर ने बोला कि मेरी बहन है, अब उसको लेकर आपकी बच्ची के पढ़ाई लिखाई के सारे की जिम्मेदारी गोल्डी जी उठा लिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सीवर के अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं और बाद में सूचना प्राप्त हुई कि 4 लोग अंदर फंसे हुए थे। मौके पर पुलिस पहुंची और जाके मालूम हुआ कि 3 तो कर्मचारी थे जो वहां पर सफाई के लिए गए हुए थे, कुछ MTNL का रिपेयर का काम भी चल रहा था उसके लिए गए हुए थे, और एक व्यक्ति जिनका नाम सतीश था वो उस कर्मचारी दल का हिस्सा नहीं थे। मगर इसके बावजूद जब कहने की तड़पने की आवाज़ आई तो उन्होंने स्वतः ही एक ऐसी मिसाल कायम करी जो अनुकरणीय है। वो उस मेनहोल के अंदर उतरे और वहाँ जाके उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली वो कर पाते इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वहाँ गैस का जमाव था, वो खुद शहीद हुए। हमें ये ज्ञात हुआ कि उनकी एक इच्छा थी, उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं, एक 2 साल की है आरवी, दिशा है और कृतिका है। उनकी इच्छा थी कि बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई करें और बहुत अच्छी अफसर बने, नाम कमाएं, उनका नाम रोशन करें। दिवंगत आत्मा ने ना सिर्फ एक अच्छा काम किया बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करी जो समाज के हर व्यक्ति के लिए अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं और इसी को अप्रिशिएट करने के लिए समाज में कई ऐसी सदात्माएँ भी हैं जो मेरे साथ बैठे हैं। पाल सिंह गोल्डी जी, इन्होंने स्वतः ही जब उनको खबर हुई कैसा ऐसा इनकी इच्छा थी कि इनकी बच्ची आगे पढ़ लिखें, उन्होंने इतनी बढ़िया मिसाल कायम की है, तो उन्होंने अपने आप ही हमको अप्रोच किया और बोला मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने इनकी इस बात की सराहना करी और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारी छोटी बहन जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी यहाँ मौजूद हैं, 3 बच्चियाँ यहाँ पर हैं। और गोल्डी साहब ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने आर्थिक सहायता पर मैंने 10,000 रुपये की इनको देने का प्रावधान किया है, इसके अलावा एक मुश्त राशि भी देने का प्रावधान किया है। हम पुलिस वाले भी अपनी स्वेच्छा से एक छोटा सा फंड ड्राइव इकट्ठा कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन इस बात के लिए है कि हमें प्रेरणा प्राप्त हो, हम मोटिवेट फील करते हैं और हम रेस्पेक्ट फील करते हैं ऐसे इंसान के लिए जो उस रात को एक घुप अंधेरे खड्डे के अंदर कराती हुई आत्माओं को हेल्प करने के लिए बिना सोचे हुए अंदर कूद सकता है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनकी आत्मा देखे
कि उनके जाने के बाद में समाज ने उनकी इस मिसाल को कितना ज़्यादा मान दिया है, उनके परिवार को इतने सपनाया है। ये अकेले नहीं, उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू।